तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, MSI मोबाइल रेस्टोरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास में वन प्लस नॉट C2 हैंडसेट आया है, जिसका प्रॉब्लम है दोस्तों चार्जिंग का प्रॉब्लम है। ये चार्जिंग सही तरीके से हो नहीं रहा है दोस्तों, ये चार्जिंग फास्ट नहीं हो रहा है, स्लो चार्ज हो रहा है और सही तरीके से ये चार्जिंग को कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे चार्जर से कनेक्ट किया है लेकिन हमारा चार्जर ये पूरी तरीके से अंदर की तरफ नहीं जा रहा है दोस्तों, ये आधा बाहर की तरफ ही है। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज इस वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हॉटर गन की मदद से हमें पीछे के पैनल को ओपन करना है। हॉटर गन को दोस्तों चारों तरफ से हमें उसे हीट करते रहना है ताकि हमारा जो बैक पैनल है वो अच्छी तरीके से हीट होके वो आसानी से निकल जाए। ये देखिए, हमने इसे हीट कर दिया है। अब देखिए, इस तरीके के एक्सरे पेपर की हमें ज़रूरत है और ये हमें कोई भी कॉर्नर से हमें एक्सरे पेपर अंदर की तरफ डालना है दोस्तों, और फिर इसका जो ग्लू होता है दोस्तों, जो पैनल को जो ग्लू लगा होता है वो हमें ग्लू को कट करना होता है दोस्तों एक्सरे पेपर की मदद से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम उसका ग्लू कट कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बैक पैनल एकदम आसानी से रिमूव हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बैक पैनल को रिमूव कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसके हम स्क्रू को रिमूव कर लेते हैं। तो स्क्रू को रिमूव करने के लिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, जब तक वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसके स्क्रू हम ओपन कर रहे हैं। अब ये मैग्नेट की मदद से हम पूरे स्क्रू को एक जगह कर लेते हैं दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, हमने स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, इसकी जो बीच की जो रिंग होती है दोस्तों, वो रिंग को हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बीच की रिंग भी हमारी ओपन हो चुकी है। अब ये है दोस्तों हमारा चार्जिंग सीसी बोर्ड। अब ये सीसी बोर्ड को हमें दोस्तों यहाँ से रिमूव करना है। सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों, ये डिस्प्ले की स्ट्रिप को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और जितने भी स्ट्रिप है दोस्तों उसके हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सीसी बोर्ड बाहर निकलने में हमें आसानी हो जाए। ये रिंगर की डब्बी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों। ये जितने भी जो स्ट्रिप लगे होते हैं दोस्तों, हमें स्ट्रिप को रिमूव कर लेना है। अब देखिए, हमने इसको रिमूव कर लिया है। अब ये डिस्प्ले की स्ट्रिप के नीचे दोस्तों और एक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप को भी हमें आसानी से ऊपर की तरफ कर लेना है दोस्तों। अब देखिए, हमने इसे निकाल दिया है दोस्तों। अब ये सीसी बोर्ड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सीसी बोर्ड को यहाँ से निकाल दिया है दोस्तों। ये सीसी बोर्ड हमारा डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है दोस्तों। अब सीसी बोर्ड दोस्तों हमें डायरेक्टली नवा चेंज करना है, इसे हमें क्लीन नहीं करना है। सीसी बोर्ड को दोस्तों रिपेयर ना करें, जो महंगे वाले हैंडसेट होते हैं उसकी सीसी बोर्ड को रिपेयर नहीं करना है, डायरेक्टली उसे न्यू ही डालना है दोस्तों। तो ये है हमारा न्यू सीसी बोर्ड दोस्तों, अब हम इसे चेंज कर रहे हैं। तो ये हमने सीसी बोर्ड को लगा दिया है दोस्तों। अब जैसे स्ट्रिपों को हमने डिस्कनेक्ट किया था, वैसे ही वापस हम उसे कनेक्ट कर देते दोस्तों। थोड़ा सा ग्लू से हम अच्छे से पैक कर लेते हैं, फिर डिस्प्ले को हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद में वापस से हम रिंगर की डब्बी को लगा लेते हैं और फिर आती है हमारी ये रिंग, जो बीच में की जो रिंग होती है दोस्तों, वो रिंग को भी हम अच्छे से लगा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, चैन से लगाए, इत्मीनान से लगाए, जल्दबाजी ना करें, बड़े नाजुक चीज़ होती है, डैमेज होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, हम स्क्रू को लगा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया होगा दोस्तों, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम ग्लू लगा लेते हैं ताकि हम बैक पैनल को वापस लगा लें। ये हम ग्लू लगा रहे हैं, तो ये हमने इसको ग्लू लगा दिया है। अब आती है दोस्तों बारी हमारे बैक पैनल की, ये हम बैक पैनल को लगा रहे हैं दोस्तों। ये बैक पैनल को हमने लगा दिया है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, इसे हम चार्जर से कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो चार्जर इसे कनेक्ट किया है, ये पूरा कम्प्लीटली पूरा अच्छे से बैठ गया है दोस्तों। जैसे पहले ये पूरा कम्प्लीट बैठ नहीं रहा था, अब देखिए जैसे ही हमने चार्जर से कनेक्ट किया, वन प्लस लिख कर आ गया, हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सीसी बोर्ड चेंज कर सकते हो दोस्तों।